भारत की नौसेना के बेड़े में अब से थोड़ी ही देर में खतरनाक सबमरीन जुड़ने वाली है। INS करंज एक ऐसी पनडुब्बी है जो भारत की समुद्री सीमाओं को केवल सुरक्षित ही नहीं करेगी बल्कि दुश्मनों के दिल में डर भी पैदा करेगी। INS करंज कलवरी क्लास की पनडुब्बी है और इसे साइलेंट किलर भी कहा जा रहा है। प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवरी क्लास की 6 पनडुब्बी बन रही है जिसमें INS करंज तीसरी ऐसी पनडुब्बी है जो भारतीय नौसेना में शामिल हो रही है। आपको बता दें 2 पनडुब्बियों का अभी ट्रायल चल रहा है और आखिरी पनडुब्बी मुंबई के मझगांव डॉक में बन रही है। भारतीय नौसेना के लिए काफी गर्व का दिन है क्योंकि आज भारतीय नौसेना को मिलने वाली है अब तक की सबसे घातक और हाईटेक सबमरीन INS करंज। करंज पूरी तरह से तैयार है भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इस सबमरीन को INS करंज सबमरीन को साइलेंट किलर भी कहा जा रहा है क्योंकि ये अब तक की सबसे हाईटेक सबमरीन बनाई गई है और ये सबमरीन पूरी तरह से भारत में बनाई गई है। और जिस तरीके से इसको बताया जा रहा है कि जो इसमें सोनार सिस्टम लगा हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा अहम है, जो दुश्मनों के रडार पर काफ़ी मुश्किल है उसे आना और कह सकते हैं कि नामुमकिन है कि इस सबमरीन को दुश्मन अपने रडार पर इसको ट्रेस कर सकते हैं। ये आज काफ़ी ऐतिहासिक दिन है भारतीय नौसेना के लिए। स्कॉर्पिन जो क्लास की सबमरीन है ये तीसरी सबमरीन है जो भारतीय नौसेना में शामिल हो रही है। P-75 के तहत 6 सबमरीन को भारतीय नौसेना में शामिल होना है। ये तीसरी सबमरीन INS करंज जो अब भारतीय नौसेना में शामिल हो रही हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और जो INS करंज जो एक नया नाम नहीं है भारतीय नौसेना के लिए, इससे पहले भी 34 साल तक INS करंज की सबमरीन ने भारतीय नौसेना में सर्व किया है। उसके बाद सिर्फ हाईटेक और जो तकनीक है उससे बदला गया है और नाम वही रखा गया INS करंज, क्योंकि भारतीय नौसेना के इतिहास में कहा जाता है कि जब भी कोई नई सबमरीन नई शिप आती है तो उसका नाम नया नहीं होना चाहिए बल्कि जो पुराने सबमरीन एक इतिहास को बरकरार रखने के लिए नाम दोबारा जो दूसरी सबमरीन या दूसरी जहाज होते हैं उसे रखा